मान सिंह भैया भी अपना अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम रचा है तो उनका तो अनुभव बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। एक जो भट्टी में होते हैं और एक जो भट्टी के बाहर होते हैं। जो भट्टी में होते हैं उनका रूप बदल जाता है एकदम, और जो भट्टी के किनारे होते हैं उनको सेक तो मिलता है, सेक तो मिलता है ना। तो ये एक भट्टी लगी हुई थी, जो हाल है ये भट्टी लगी हुई, और इसमें जो भी भाई बहन बैठे हुए हैं टीचर्स बहने, वो भट्टी में पड़ी हुई थी, समझ रहे हैं ना। तो अब हर एक बाबा का रतन जो इसमें पड़ा हुआ था वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मुझे मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ गया है, मैं कितना बदल गया हूं। हम अभी बैठे बैठे महसूस कर रहे थे कि ये सब जो है ये बाबा के रतन है और भट्टी में पड़े हुए हैं। ये जब निकल करके जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र में, तो वहां के लोगों को परिवर्तन दिखाई दे कि अरे आप भट्टी में गए थे, आपके अंदर ये परिवर्तन आ गया, तब हमारी ये भट्टी सफल होगी। हर कोई बहन अपने अंदर ये धारणा बना करके जाए कि अपने सेवा केंद्र पर, अपने बहन भाइयों के बीच में जब हम जाए तो हमारे अंदर एक परिवर्तन दिखाई दे सबको, तो उनको भी लगेगा कि नहीं बहन जी आप भट्टी में गई, आपके अंदर ये परिवर्तन आ गया। कितनी बड़ी सेवा होगी सेवा केंद्रों पर, और वहां पर भी भाई बहन इस बात का फिर आग्रह करेंगे आपसे कि बहन जी यहां भी आप भट्टी रखिए, यहां भी तपस्या का प्रोग्राम बनाइए। तो ये बात अभी हम सोच रहे थे बैठे बैठे। बाकी तो 3 दिन जो तपस्या का प्रोग्राम चला बहुत अच्छा रहा, बहुत कमाई हुई, और संगठन का जो योग मिलता है उसमें चाहे अपना योग भले ही ना लगे ऑटोमेटिक कमाई होती रहती है, उसमें एटमॉस्फेयर का एक बल होता है। आप अकेले बैठ करके योग करते हैं वो आप देख लीजिए, एक संगठन में बैठ करके योग करते हैं उसको आप देख लीजिए, दोनों की तुलना कीजिए, फर्क मालूम पड़ जाएगा। इसलिए संगठन का योग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे अपने यहां सप्ताह में महीने में 3rd Sunday को योग चलता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ममता बहन बहन भाइयों को क्लास में कहती हैं, हाथ उठवाती हैं, भाई कौन कौन आएगा, हाथ उठाते हैं भाई बहन, लेकिन शाम को नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश। इसमें अपनी कमाई हो जाती है, जो वो वातावरण होता है पावरफुल, पता नहीं हमारा योग ना भी लगे, हम बैठे हुए हैं उस वातावरण में योग लग जाता है, कमाई होने लगती है। अब आप कहें कमाई कैसे मालूम पड़े, हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम महसूस कैसे करें। तो सबसे पहली बात है योग में बैठे हैं अगर हल्कापन है, हल्कापन है तो योग हमारा लगा हुआ है। हल्कापन माने लाइट, लाइट होकर बैठेंगे लाइट बन जाएंगे, भारीपन समाप्त। जैसे पहले अभी सुना रहे थे हैं, तकलीफ थी शरीर में, दर्द था,
लेकिन योग में बैठे और वो ठीक हो गया। हमारा बाबा वैद्यनाथ है, रूहानी सर्जन है, अपने बच्चों की दुख तकलीफ नहीं हरेगा तो किसकी हरेगा? सोचो ना। और बाबा हमारा चैतन्य में आया हुआ है। जब हम बैठ करके योग करते हैं तो बाबा को सामने देखते हैं, हम बतन में नहीं याद करते बाबा को, सामने बुला लेते हैं, सामने बिठाते हैं, सामने बात करते हैं, फिर देखो क्या आनंद आता है। आमने सामने बैठ करके हम बाबा से बातें करें, रोरिहान करें, अपने दिल का हाल सुनाएं, बाबा हमसे क्या चाह रहा है उसको सुने, वो कितना आनंद आएगा। योग में योग को ऐसा रमणीक बना लें कि निद्रा है, आलस है, अलबेलापन है, सब समाप्त हो जाए। जैसे किसी से बात करते हैं तो कोई आलस आता है, नींद आती है, नहीं आती है, तो ऐसे जब हम बाबा को सम्मुख बैठा करके, अब सम्मुख कैसे बैठाए, हो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को अनुभव करें, सामने बिठाए, बाबा से दृष्टि ले, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आंखों के द्वारा हमें देख रहे हैं, हम आत्मा इस शरीर में बैठे हुए इन आंखों से बाबा से मुलाकात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के योग करो, लो कितना आनंद आएगा। दिल की बातों का लेन देन करो। तो योग में बैठे ऐसे हम लोग करते थे। अच्छा, ओम शांति।